Hallelujah. Hallelujah. यीशु के लिए, यीशु के लिए। Praise God. Hallelujah. 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 हम खुश हैं या नहीं, लेकिन आसमान पर खुशी है। हालेलुया, आसमान पर खुशी है, क्योंकि आज बाप का एक वादा उसके बेटे यीशु मसीह में पूरा हो रहा था। हालेलुया, आज के दिन हम उसी यादगार दिन को मना रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से सलाम और ईद पेंटेकोस्ट मुबारक हो। हालेलुया, ज़बरदस्त दिन है, आप ने बरकत पाई होगी। जो प्रस्तिश का माहौल था, जो दुआ थी, वो हमें बुलंदी पर ले गई है। हालेलुया, और आज वही है दिन जो खुदावंद का है, तो इसमें हम शाद हों या ना हों, वो मौजूद है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि वो मौजूद है, वो अपने वादे में मौजूद है। हालेलुया, वो अपने वादे में मौजूद है कि हमें ब्लेस करे। सो आज हम उस यादगार दिन की एक मरतबा फिर रोए ज़मीन पर यादगारी मनाने के लिए खुदावंद ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, सलामती बख्शी है। आलमगीर कलीसिया आज के दिन जो है वो इस दिन को मनाने के लिए जो है मौजूद है। और मैं जुम्मे को जब अपनी मिनिस्ट्री के साथ दुआ कर रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि यदि पेंटेकोस्ट को सारे लोग मानते हैं, ईद है, वैसी ईद नहीं है जैसी हम क्रिसमस को मनाते हैं। ईस्टर भी बड़ा हमारा लो लेवल पर होता है, और ईद पेंटेकोस्ट के साथ लफ्ज़ ईद तो लगा है, लेकिन कोई इतनी वो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कलाम में जो बरक़ात हैं, उसमें ये बड़ी अहमियत की हामिल दिन है। तो मनाते तो इसको सारी कलीसियाँ ही मनाती हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि बस रूह का नज़ुल होना है, चले जाना है। कुछ लोग समझते हैं रूह का नज़ुल होना है, कुछ लोगों ने गैर जुबानें बोलनी है, चला जाना है। लेकिन ये रूहानी तब्दीली का दिन है, ये खुदा के हजूर बुलंद होने का दिन है। यीशु मसीह जिस चीज़ को हमारी ज़िंदगी तो उसने हमारे अंदर रख दी, लेकिन वो हमें बनाना चाहता था, और हमारी मुस्तकबिल में जिसने तरबियत करनी थी, जिसने रहनुमाई करनी थी, और आज भी कर रहा और करता रहेगा, वो पाक रूह है, तो उसका नज़ूल था। और आइए हम कलाम मुकद्दस को खोलते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद है। हम सीधे अपने जो आज के हवाले पर जाते हैं, अमाल 2 बाब और उसकी पहली 4 आयात मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आपको याद होगा, बहुत से लोगों को ये हवाला ज़ुबानी याद है। जब ईद पेंटेकोस्ट का दिन आया, तो वह सब एक जगह जमा थे कि यकयक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरी रहे। कलाम में लिखा है कि वो सब एक जगह जमा थे, वो सब लोग। अगर हम थोड़ा सा पहले बाब की 15वीं आयत में अगर हम चले जाएँ, तो हमें पता चलता है कि ये तखमीन 120 की जमायत थी, 120 लोग थे, और ये जमा थे, और ये 10 दिन हो गए थे इन्हें जमा हुए। उन्हें यीशु का वो वादा याद था, जब ये कलाम में लिखा है जब वो लौटे, यरूशलेम की तरफ लौटे। ज़रा देखिएगा, पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सब्त की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाने पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपस और तोमाई और बरतमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन जेलतुस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये 10 दिन से ठहरे हुए थे। यीशु मसीह ने इनसे वादा किया था। अगर आपको याद हो लुका तबीब की अंजील का 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत 49 वर्स में लिखा है, यीशु ने कहा कि जब तक आलम बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। कुव्वत का लिबास, रूहुल कुदस को यीशु मसीह ने कहा कुव्वत का लिबास। पेंटेकोस्ट का मतलब है पावर, और ये एक ऐसी पावर है जैसे एक डायनामाइट ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट होता है, एक धमाका होता है। और कलाम में लिखा है कि जोर की आंधी का सन्नाटा, एक आवाज उस जगह पर आई, लोगों ने आवाज सुनी। और ये ब्लास्ट पॉजिटिव ब्लास्ट है, ये मारता नहीं है, ये लोगों को जिंदा करता है। वो तैयार थे। आज जिस बात पर हम ठहरेंगे वो तैयार थे और इंतजार में थे। उन्हें कहा जब तक, उन्हें पता नहीं था किस घड़ी किस लम्बे रूहुल कुदस नाज़िल हो जाएगा, लेकिन वादा है, यीशु ने कहा इसलिए होगा। वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे और आपको इस दिन का पता है, हमारे कैलेंडर में मार्क हो जाता है, हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये हो गया है, आज रूहुल कुदस जो है पेंटेकोस्ट पर नहीं, बल्कि जिस दिन भी हम तैयार होते हैं जिंदगी में, तौबा के बाद, यीशु के लहू में धुलने के बाद, ये जरूरी है, उसके बगैर नहीं है। रूहुल कुदस ने ऐसे नहीं आना। डेलिकेट कलाम में इसको लिखा, बहुत 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 संजीदा, पाकरू बर्दाश्त नहीं कर सकता। यीशु बर्दाश्त करता है, यीशु सहता है, लेकिन पाकरू को लिखा है रंजीदा न करो, उसकी तहकीर न करो। वो चला जाता है फौरन, वो जिंदगी से दूर हो जाता है। इसलिए इस मामले में बड़े संजीदा हो। वो तैयार थे। क्या थे? तैयार थे। बोले क्या थे? क्या आज हम लोग तैयार हैं? हम तैयारी करके आए। जिन्हें इस चीज का तजुर्बा नहीं है रूहुल कुदस का, क्या वो तैयार होकर आए हैं? या आज भी एक इतवार की तरह एक रवायती इबादत है? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयारी कर रहे थे और आज तैयार होकर आए हैं? यह हादसाती तौर पर नहीं होगा। पाक रूह हादसाती तौर पर हमारी जिंदगी में नहीं आता है, मौजज़ाती तौर पर आता है। और यीशु जब भी आता है मौजज़ा हो जाता है। हालेलुया। यीशु अगर हमारी जिंदगी में आता है, दिखावे की तैयारी नहीं, लिबास की तैयारी नहीं। आज शायद बहुत कम लोगों ने नए कपड़े पहनेंगे, बहुत कम लोगों ने, क्योंकि हमारे ज़हन में ईद का तस्वर कुछ और है। ये पहली फसल काटने की ईद के तौर पर भी, जैसे बेटी ने बताया, इसको ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया। आज फसल काटनी है यीशु ने, जो उसने बोया इस चर्च में, जो मेरे और आपकी जिंदगी में उसने बोया, आज वो काटना चाहता है पाक रूह। क्या हम तैयार हैं? आइए मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील में जल्दी से, और उसका 25वां बाब खोलें। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ये हवाला खोलेंगे आप कहेंगे ये तो हमें संडे स्कूल से पता है। ये तो हमें कब से पता है? संडे स्कूल से पता है, 10 कंवारियों वाला। आइए ज़रा इसे पढ़ते हैं, 25वां बाब, जल्दी से पढ़ेंगे इसे। इसकी 13 आयत मैं सारी पढ़ना चाहूँगा, आप बहुत गौर से देखते रहिएगा। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानद होगी जो अपनी मछलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकलीं, और उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलें तो ले लीं मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सूंघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त तो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मछलें दुरुस्त करने लगीं, और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो क्योंकि हमारी मछलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, आए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। 10 कुंवारियाँ हैं और आई सारी इस नीयत से कि दूल्हा का इस्तकबाल करना है। 5 ने तैयारी ज़बरदस्त की है, उनके पास मछले भी हैं और फाजिल तेल भी है, लेकिन 5 जो हैं वो रिलैक्स हैं। जब हम संडे को आते हम रिलैक्स होते बहुत, क्योंकि क्वायर ने काम करना है, जिसने मीटिंग लीड करनी है उसने कलाम करना है काम करना है, और जिसने कलाम सुनाना है उसने सुनाना है। आमीन। असी जाना है, असी बैठना है, असी आ जाना है। इतवार गुजर जाता है। कैसे कितने पेंटेकोस्ट हमारी जिंदगी में गुजर गए हैं, कितने क्रिसमस गुजर गए हैं, कितने गुड फ्राइडे गुजर गए हैं, कितने ईस्टर गुजर गए हैं, लेकिन आज भी जिंदगी में यीशु मसीह जिंदा नहीं है। ये ऐसे नहीं होगा। वो तैयार थी, उनके पास तेल था फाजिल, और वो इस्तकबाल के लिए तैयार थी। हम जरा देखिएगा 10वीं आयत को देखें, दोबारा उस पर गौर करें। 10वीं आयत क्या लिखा है, जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाजा बंद। जो तैयार थीं, जो आज तैयार हैं, जिनके पास फाजिल तेल है, फाजिल तेल, अब इसको नेगेटिव नहीं लेना, समझिए, समझाने के लिए जरा कह रहा। पाखरू को तेल से भी मुशाबे किया गया है। जो तैयार है, जिनकी जिंदगी में जिन्होंने अलाव किया हुआ है। बेटी ने एक बात की थी, मैं माफ़ी के साथ उन्हें ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा यह शौक नहीं, पाखरू कभी शौक से नहीं मिलता और कभी शौक से पाखरू मांगे भी नहीं, क्योंकि शौक बदलते रहते हैं। ये वादा, ये पूरा होना लिखा मैं हर फर्द बशर पर। ओल्ड टेस्टामेंट में जिसके वादा की तकमील लिखा, मेरे बाप ने जो वादा किया, यीशु ने कहा मेरे बाप ने जो वादा किया मैं वो पूरा होने का दिन है। जब तक हर फर्द बशर अगर कोई बाइबल के इस वादे में से अपने आप को निकाल सकता है तो वो उसकी मर्जी है। आना हर फर्द बशर पर है, लेकिन किन पर? जो तैयार होंगे, जो तैयार होंगे। ये 120 की जमात तैयार थी, ये दुआ कर रही थी। लू का 12वां बाप और उसकी 35वीं आयत, मैं हवाले नहीं खोलूंगा क्योंकि वक्त नहीं, आपने आगे तेजी के साथ जाना है। तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में जब बात होती कमर बांधने के, इसका मतलब होता है कहीं सफ़र पर जाना, तैयारी करो, सफ़र पर जाना, तैयारी करो, सफ़र पर जाना, तुम्हारे पास चिराग हो, तुमने जाना। कहते हैं एक शख्स जो है वो अंधा था और अंधेरी रात में वो हाथ में लालटेन लिए जा रहा था। किसी ने पूछा, भाई तुम तो अंधे हो, रात भी अंधेरी है, तो आप लालटेन हाथ में लेके जा रहे हो, आपको क्या इससे फर्क पड़ता है? उसने कहा ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये लालटेन जिनकी आंखें उनके लिए है, ताकि वो मुझसे टकरा ना जाए। इसीलिए कहा तुम्हारे चिराग जलते नहीं, तुम रोशन रहो ताकि जो अंधेरे में तुम्हें देखें और रोशनी की तरफ अपने सफर को शुरू करें। आइए जरा लूका तबीब की अंजील, मैं चाहता हूं यह वाला जरूर पढ़ें, पहला बाब लूका तबीब की अंजील का, और उसकी 17वीं आयत को देखें। 17वीं आयत को देखें। यूहन्ना रसूल को भेजा गया कि वो यीशु के लिए राह तैयार करे, वो राह तैयार करने वाला था, कलाम में लिखा। 17वीं आयत को देखिए क्या लिखा है, और वो एलिय्याह की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। कौन सी कौम? सोने रही, जो रिलैक्स। मसीह कौम बहुत रिलैक्स है। हमारे गुनाह माफ हो गए, यीशु ने हमारे गुनाह धो दिए, हम खास कौम हैं। फिर हवाला देते हैं, हम चुने हुए मुकद्दस कौम में अलग किए हुए लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने उसका कितना ऐलान किया, हमने कितनी दफ़ा उसका क्लेम किया है कि मैं एक मुकद्दस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुस्तैद कौम, जो मुस्तैद हो, तैयार हो, जो वाला हमने पढ़ा, खुदा उनके लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करें। मैं चाहता हूँ ओल्ड टेस्टामेंट में से एक हवाला ज़रूर निकालिए जिनके पास है कलाम है। पहला तवारीख, आइए जल्दी से पहला तवारीख खोलिए मेरे साथ। दाऊद नबी जो है वो अपने बेटे सुलेमान के साथ मिलकर हैकल के लिए जो चीज़ें तैयार की गई हैं वो उसको मखसूस करने के लिए, पेश करने के लिए दुआ कर रहा है। ज़रा देखिए 29वां बाब, पहला तवारीख उसका 29वां बाब और उसकी 5वीं आयत को देखिए, फिर जल्दी आगे चलते हैं। और कारीगरों के हाथ के लिए हर किस्म के काम के लिए सोने की चीज़ों के वास्ते सोना और चांदी की चीज़ों के वास्ते चांदी है। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करे? कौन तैयार है? कौन तैयार है? आज कहे पाकरू मेरे दिल में आ, पाकरू मेरी जान में आ, पाकरू मेरे घराने में आ, मेरे घर में आ। आज दावत दें उसे, आज उसे कहें मेरी जिंदगी में उतर, मेरी जिंदगी में उतर आ, मेरे साथ, मेरे 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 घर चल। जो लोग सो रहे हैं बाप, उन्हें भी जरा जगा। कौन तैयार है? जो तैयार है वो चला जाएगा। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करे? दाऊद कह रहा है, सारे लोग मौजूद हैं। तो 120 की जमायत को दिन और वक्त मालूम नहीं था, लेकिन उन्हें पेंतकोस्त के दिन के मुतालिक पूरी मालूमात थी। हमें पूरी मालूमात हैं, पता नहीं जो लोग शौकीन हैं नेट पर तो वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। वो पढ़ने से काम नहीं चलना, अमल बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से भी बरकत आती है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें। ये सिर्फ यादगारी की इबादत नहीं, आसमानी बाप उस बरकत को यानी रूह के नज़ुल को दोहरा भी सकता है, दोहराता है, हमारी ज़िंदगी में दोहरा रहा है। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, मैं उस चर्च से मेरा ताल्लुक़ है जहाँ रूह का काम, रूह के बातें करना पहले बहुत, अब तो थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई, पहले बड़ा डंडा पड़ा करता था जिस वक्त मैंने यीशु को कबूल किया। और मैं बड़ा मुखालिफ था पानी के बपतिस्मे का, रूह के बपतिस्मे का। मैं इसको नेगेटिव, मेरे अंदर इतनी कड़वी तालीम थी सोच नहीं सकते। लेकिन यीशु के अपने काम होते, उसने बुलाया हुआ था ना मुझे, उन्हें सीधा करना सी, मैनू सीधा किया उसने। तो जिस रात पाक रूह का मुझे बपतिस्मा होना था, हम एक नाइट प्रेयर में थे, पास्टर अकरम इमदाद में, मैं और वो दोनों हम उस मीटिंग को चला रहे थे। रात को जब ब्रेक हुई तो मैंने चाय के लिए वक्फा, मैंने कहा अकरम भाई कुछ बंद है, ये सीना बंद है। वो कहता है भाई पाकरू आपकी जिंदगी में उतर गया, आपने उसे रोका हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, इसे छोड़ दें। मैंने कहा अच्छा। दोबारा मीटिंग जब शुरू हुई मैंने कहा दुआ करना। जब अरूज हुआ तो बस फिर दरिया बहना शुरू हो गया, मगर जुबाने बोलना शुरू हो गया। 5-10 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कहीं मैं, ये बेटी बोल रही है, कहीं मैं इसको देख के तो नहीं बोल रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसा भी होता है, मैंने कई खादमों को देखा, वो कहते हैं जरा मैं कह रहे हैं ना वो कहो, नहीं भाई वो तो ऊपर से आना, तुम्हारे कहने से थोड़ी आना। तो मैंने सोचा मैं इन सारे लोगों को देख के तो नहीं बोल रहा जो बोल रहे। तो मेरी पाकरू चेंज हो गई, वेरिएशन चेंज हो गई, और आधे पौने घंटे में 4 वेरिएशंस के साथ मैंने गैर जुबाने बोली। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा एक टीममेट था, खुदा उसको जिंदगी अभी भी है, कोयटा में नहीं है। उन्होंने जो तो पता चला ना साढ़े लीडर नूं पाकरू दा बपतिस्मा हो गया, बागी हो गया। हमारे घर में प्रेयर होती थी 2 दिन, मंगल और हफ्ते को। तो उस मीटिंग में अभी मैं सामने हूँ और पूरी टीम हमारी बैठी दुआ कर रहा है। वो कहता है अय खुदावंद यीशु मसीह, अगर मैं तेरा बेटा हूं तो ये गैर जुबान मैं कभी भी ना बोलूं। उसका ख्याल था लीडर साहब कोई डंडा शंडा चुकणगे, कुछ कहेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, जब वो ये दुआ कर था, मैं ये दुआ करता, खुदावंद जैसे तूने मुझे बरकत दी है मेरे इस भाई को भी बरकत दे देना। हालेलुया। एक हफ्ते के बाद वो गैर जुबान बोल रहा था हमारी मीटिंग में। मैं उसके पास गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा तुम यीशु के बेटे हो, ये क्या कर रहे हो? कहता मेरे बस में नहीं है, मैं इसे रोक नहीं सकता हूं। अजीजों ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारे इख्तियार में नहीं। अगर हम यीशु के हैं, जो यीशु के हैं, जितनों मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। और जितनों ने इसको पहन लिया है उसने एक दिन उनके अंदर से, पाक रूह ने उनके अंदर से मैं उंडे लूंगा, यानी मतलब इतना दूंगा कि तुम्हारे अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। ये सोना है, तैयार रहो, तुम भी तैयार हो। जरा लूका तबीब की इंजील के 12 बाब में चलिएगा, जल्दी से जल्दी आइए मेरे साथ। मुझे मालूम है आज का दिन बहुत कीमती है, आज का दिन बहुत कीमती है, बहुत बरकत वाला है। मैं चाहता हूँ कुछ देर हम दुआ में गुजारेंगे। आज मेरी ख्वाहिश होगी थोड़ा सा मैं कलाम को बस एक जगह पर जाकर रोक दूंगा। मुझे ये नहीं है कि मेरी तैयारी कितनी होगी, मुझे ये होगा कि हम दुआ कर सकें। मेरे पास बातें बहुत हैं। मुझे खुदावन ने 14 पॉइंट दिए कि रूल कुदस की बरकत के, और मैं उसमें से एक दो मैं शायद शेयर कर पाऊँ। अगर हम टाइम में चलेंगे एक दो बातों को उसमें से शेयर कर पाऊँगा। आपको सारी लिस्ट दूंगा, लेकिन उसमें से एक 12वां बाब ज़रा देखिए मेरे साथ, लूका तबीब के इंजील का। मेरी ख्वाहिश है आज बहुत से लोग जिनको पाक रूह का तजर्बा, मैं इस दुआ के साथ आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि आज लोगों को इस बात का यकीन हो, तजर्बा नहीं हो, यकीन हो कि वो अपना रूह हम पर नाज़िल करता है। हालेलुया। 12वां बाब, थैंक यू जीसस, उसकी 40वीं आयत। प्रेज कर। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। और 47 वर्ष देखिएगा ज़रा। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्ज़ी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्ज़ी के मुआफिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। जिसने तैयारी नहीं की, नौकर है जिसको बुलाया। अजीज़ो पाक रूह की बख्शिश महज गैर जुबान बोलने तक महदूद नहीं है। कुछ लोग समझते बस गैर जुबान बोलूँगा पाक रूह आ जाएंगे। पाक रूह की इस बख्शिश से खुदा बाप एक ईमानदार की ज़िंदगी में अजीम काम और अजीम तब्दीली लाना चाहता है। अजीम काम करता और अजीम तब्दीली लाना चाहता है। इसलिए चंद बातें हैं जिन पर हमने गौर करना है और वो मैं आपको बताऊंगा, और उसमें से एक दो देखेंगे। पहली बात, जो पाक रूह हमारी ज़िंदगी में उतरेगी तो उसके क्या समरात होंगे, उसके फल क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे, उसके नतीजे क्या होंगे, उसने क्या काम करना हमारी ज़िंदगी में। 14 बातें हैं, लेकिन मैंने कहा मैं एक दो शेयर करूँगा वक्त के हिसाब से। पहली चीज़ है निजात की बख्शिश। निजात तो पहले भी आ गई, लेकिन जब पाक रूह आएगा तो ये और हमारी ज़िंदगी में गहरी होती जाएगी। मैंने पहले कहा निजात पाएंगे तो वो आएगा, लेकिन निजात की जो आगे, निजात पाना भी काफ़ी नहीं है। यीशु ने कहा तौबा के मुआफिक फल लाओ। निजात में आगे बढ़ना है, अपने निजात के काम को आगे जाके देखेंगे। फिर पाक रूह क्या करता है, निजात की यकीनदानी कराता है हमें। पाक रूह क्या करता है, हमें गुनाह से पाक करता है। यीशु का खून तो हमें पाक करता है, लेकिन सेंटिफिकेशन का काम जो है वो पाक रूह करता है। पाक रूह की मोहर और यकीनदानी हमारी ज़िंदगी में होती है। ईमानदार की मसीह में शनाख्त होती है। पाक रूह हमारे जहन को मुनव्वर करता है। और जो अहम बात है, जो पास्टर साहब दुआ में भी कर रहे थे, ईमानदार की ज़िंदगी में ये मुस्तकिल तौर पर बसेरा करता है। इसने बसना है हमारी ज़िंदगी में। मसीह के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो। पाकीज़गी में तरक्की कराता है पाक रूह जो है। खिदमत के लिए भरपूरी हमें देता है। ईमानदार की ज़िंदगी में मसीह की मानंद फलों की बख्शिश होती है। जैसे यीशु की ज़िंदगी फलदार थी, वैसे ही वो हमारी ज़िंदगी में फलों की बख्शिश को जारी करता है। ईमानदारों को सच्चाई की तालीम देता है। ईमानदारों के लिए दुआ और कमज़ोरियों में मदद करता है। और झूठी रूह और नज़रियात को मुस्तरद करता है। आज बड़ी ख़तरनाक किस्म की तालीमात फैल रही हैं। मुझे पिछले हफ्ते तजर्बा हुआ, मैं एक जगह बैठा हुआ था, चंद एक खुदा के खादिम बैठे हुए थे, उनके दरमियान में मुझे भी मौका मिला, मैं बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था क्या हो रहा, और मैं दुआ कर रहा था। कभी भी इस बात पर फ़ख्र न करें कि मैं कलाम को जानता हूँ बहुत, मुझे कुछ नहीं हो सकता। इब्लीस शरीर जब आता तो यीशु मसीह के पास जब आया तो उसने कलाम से ही बातें की थी, बाहर से नहीं की थी। खुदा उनसे करम मांगा करें और स्मेल क्या करें, स्निफ। रूहानी आदमी जो उसके सूंघने की इस बड़ी तेज़ होनी चाहिए कि ये बात ठीक है या नहीं ठीक है, इसमें फिट हो रही है नहीं हो रही है। बाइबल में उसे मुस्तरद कर दें, उस पर रिसर्च ना करें, उसको मुस्तरद कर दें। और आखिरी बात जो है वो रहनुमाई करता और हमें आगे बढ़ाता है। ये बहुत सी बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसमें से एक दो पर गौर करेंगे। मैं 15 मिनट और बोलूँगा, 1:45 तक, और फिर क्लोज कर देंगे। आमीन। उसमें जितनी बातें हुई उसके बाद मीटिंग इरफान, पास्टर इरफान, सॉरी मैंने इरफान कहा, आप मेरे बेटे मेरे इसलिए मुझ से निकलता। पास्टर साहब, पास्टर असमत होंगे, वो बेटी आएगी, मैं यहाँ आपके साथ हूँगा, और फिर हम यहाँ से मिलकर, वो कहाँ गया सिंगर, कहाँ गया हमारा लीडर जो है, रूह की नदियाँ जारी कर, फिर दरख्वास्त करेंगे रूह की नदियाँ जारी कर। हालेलुया, नजात की बख्शिश। तो आइए मेरे साथ तीतस का ख़त खोलिए, जिनके पास कलाम है खोलिएगा, तीतस का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत को देखिए। तीतस, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। तो नजात हमें जो मिलती, और रूह कुद्स उसमें हमें नया कर देता है। हालेलुया। रूह क्या काम कर रहा है, हमें नया कर रहा है। अब जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें निकालो ना, पुरानी चीज़ों को निकाल दो। जब पुरानी चीज़ें निकलेंगी, स्पेस होएगा, तो फिर नई चीज़ें आएंगी अंदर। हालेलुया। अगर आप अपने घर का फर्नीचर चेंज करना चाहते हैं तो पहले पुराने को आप डिस्पोज ऑफ करते, उसको निकालते, फिर नए के लिए जगह बनती। नए और पुराने को इकट्ठा रख दें तो नए दी शो भी ख़राब हो जाती है। हालेलुया। तो इसलिए कोशिश करते हैं उसको छुपा दो, अगर बेचना नहीं है तो किसी और पास से, स्टोर से ही पा दो। इसलिए हम दबा नहीं सकते दिल में पुरानी बातों को, गुनाह की बातों को हम दबा कर उसके ऊपर बरकत की बातों को नहीं रख सकते, इसलिए निकालना होगा उससे, क्योंकि हम दो मालिकों की खिदमत कर नहीं सकते हैं, कलाम में लिखा। तो इसलिए ये दिल उसे देना होगा, ये उसे देना होगा, ये उसे करना होगा। 1 Corinthians 6 उसकी 11वीं आयत। और बस तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हालेलुया। रूह के वसीला से हम पाक होते हैं और रास्तबाज, राइचियसनेस हमारी, हमने भी पढ़ा, वो रास्तबाजी हमने खुद नहीं हासिल किया, हमारे अच्छे कामों से नहीं आई है। हमें खल किसी लिए, कलाम में लिखा, हमें खल किसी लिए किया गया कि हम नेक काम करें, लेकिन नेक काम हमें बचाएंगे नहीं, बचाना हमें यीशु के खून ने। कुर्बानी हमारी जो हमारे लिए यीशु ने दी, जब तक वो हमारी ज़िंदगी में ना हो। आइए एक और हवाला पढ़ते, फिलिपियों में चलिए मेरे साथ, उसका 2 बाब निकालें। हालेलुया, हालेलुया। ज़रा नींद से बचिएगा, माहौल क्योंकि बड़ा अच्छा हो गया, ठंडा हो गया थोड़ा बाहर की निस्बत, इसलिए जब माहौल अच्छा होता है ना तो फिर नींद का गलबा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए एक ज़रा ताली बजाइए यीशु के लिए। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मोहसिन, वो मैं जब कलाम रोकूँगा ना जहाँ पे, तो आपने फ़ौरन आना है और रूह की नदियाँ शुरू करना है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। नाम ठीक लिया मैंने, हाँ? अच्छा मुझे वो छोटा वाला याद रहता है, एहसन, गॉड ब्लेस। बहरहाल घर की बात है, बाहर नहीं निकला हूँ मैं। हालेलुया। दूसरा फिलिपियों दूसरा बाब 12वीं और 13वीं आयत को देखेंगे। बस आए मेरे अजीज़ों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मा बरदारी करते आए हो, उसी तरह ना सिर्फ मेरी हाज़िरी में बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाज़िरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। अपनी नजात का काम, जब नजात की बख्शिश हुई ना, तो मैंने कहा नजात हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है, पाकरू हमें इसलिए ना, हमने लोगों को पर दूसरे लोगों को जोर देना, वो डराना लोगों, मैं भी बड़ा जनाब करना, एकदम गैर जुबान बोलना शुरू कर अगले को डराने। नहीं नहीं यार, ये तो ब्लेसिंग है। गैर जुबान या पाखरू की नेमतें बाकी जो हैं वो समझने वाले ये, लेकिन जब अदर टंग भी हम बोलें तो वहाँ पर माहौल तब्दील हो जाए। हालेलुया, माहौल तब्दील हो जाए। ऐसा नहीं हो ना, कई दफ़ा वो गैर जुबान कोई बोलते हैं ना। मेरी टीम में 2 नर्सेस थीं, वो एक कुछ अरसे के बाद जब आई, जब उन्होंने गैर जुबान बोलना शुरू की ना, तो मेरे कानों ने बताया, मेरे दिल ने, मेरी रूह ने बताया गड़बड़ हो गई है। मैंने 1-2 साथियों से कन्फर्मेशन क्यों कह रहे भाई काम ठीक नहीं है, जब तो पूछे तो पता चले किसी और जगह तो सैर करके आ गए ना, बरकत ले। इसलिए बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। कहते अपने आप को जांचो, परखो, क्या तुम्हें कोई दूसरा रूह तो नहीं पिला दिया क्या। इसमें बड़ा मुहतात रहना, बड़ा डिफरेंस होता है। ऐसे अबलीस भी वो सारे काम करता है जो यीशु करता है, उसकी भी अदर टंग्स हैं, वो भी लोगों को वो ब्लेस कर देता है। समझने की ज़रूरत है, डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बरकत है ना। आज ये तालीम आ रही कि नजात यीशु के अलावा भी है। अब ये एक बड़ी बिदत तेज़ी से फैल रही है और बहुत से जरिए। अब वक्त में उस तरफ जाएँ तो लिखा कि डरते और कांपते हुए। कितना डरते जब हम नजात का काम कर रहे हैं, कितना डरते। जब मैं यहाँ खड़ा होकर बोलता हूँ, जब मेरी बेटी यहाँ खड़ा होकर प्रीच मीटिंग लीड करती है, जब ये कुआर यहाँ खड़े होकर परस्तिश करती है, जब कोई यहाँ खड़ा होकर दुआ करता, लोग उन लफ्ज़ों को तो कम सुनते, उसके कैरेक्टर को ज़्यादा देखते हैं, उसकी ज़िंदगी का ऑपरेशन ज़्यादा करते हैं, उसके मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करना। लोगों को मेरे से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, कि मैं अपनी ज़ात को जानूं, लोग मेरे साथ ज़्यादा जानते हैं। क्रिटिक्स होते हैं ना, वो बड़ा हर एंगल से जो है ना वो कर रहे होते हैं। हम समझते हैं हम बड़ा फन्ने खान है। हाँ, शुक्र खुदा का, उसने फन्ने खान हमें नहीं बनाया, लेकिन अपने बेटे और बेटियाँ बनाया। हालेलुया। तो इसलिए लिखा, पौलुस समझा रहा है, डरते और कांपते हुए। हम कितना डरते हैं। खुदा का खौफ, जब कलाम में लिखा खुदा का खौफ दनाई का, हिकमत का शुरू है। हम कितना डरते कि हम नजात याफ्ता हैं। हम जब बाहर रोड पर जा रहे हैं हम कैसे हैं। हम जब मैं कॉलेज में जा रहा, जब मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा, जब मैं अपने हॉस्पिटल में जा रहा, जब मैं अपने ऑफिस में जा रहा, जब मैं बाज़ार में सब्ज़ी ख़रीद रहा, तो मैं कितना डर रहा हूँ। लोग देख रहे हैं, वहाँ भी हमें वो उसी तरह देख रहे हैं। जब मैं रोड पर हूँगा लोग मुझे उसी तरह देखेंगे। ये कल अगर कोई देखा, कल ये भाई हमारे चर्च में कलाम सुना रहा था। तो इसलिए बहुत डरने की ज़रूरत है। अपने आप से भी डरा करें, कहीं फूल ना जाए। पौलुस कहता मुझे कांटा चुभोया गया। लोग फूल बहुत जाते हैं आजकल, बहुत जल्दी मौसम ऐसा है ना, आम खाए फूल गए। बचने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है, कांपने की ज़रूरत है। डरते और कांपते हुए अपनी निजात के काम को किए जा। अब डर खुदा का ख़त्म हो गया है, ज़िंदगियों से ख़त्म हो गया। माँ बाप का डर तो ख़त्म हो गया ना, बड़ों का डर तो ख़त्म हो गया। पहले था, डरते थे, वो डर के करते थे, नहीं अब वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात मैं चाहता हूँ इसमें से जो हम करें वो देखें, वो मैं चाहता हूँ। मैं 7वें पॉइंट पर जा रहा हूँ। ईमानदार में पाखरू मुस्तकिल तौर पर बसेरा करेगा। ये नहीं है पाखरू हमारी पाखरू। अब ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हमें पाखरू का बपतिस्मा हो गया, पाखरू हमारी ज़िंदगी में आ गया, उसने जाना नहीं है। वो बेटी जैसे समझाती, ओल्ड टेस्टामेंट में पाखरू आता था, किसी शख्स पर उतरता था, जो काम उसके ज़िम्मे होता था वो करता था और पाखरू चला जाता था। समसून की ज़िंदगी, साउल की ज़िंदगी और बहुत से लोगों की हम ज़िंदगी में देखते हैं। लेकिन आज क्या होता है, जब पाकरू हमारी ज़िंदगी में आया, उसने स्टे करना है टिल वी आर ऑन द अर्थ। जब तक हम जिंदा हैं या जिस दिन यीशु आ जाएगा, पाकरू ने स्टे करना है हमारे साथ। हमारे अंदर काम करना है। हर रोज पाक रूह ने हर लम्हा हमारी जिंदगी में काम करना है। पाक रूह ने नीड बेस पे काम नहीं करना कि जी जब हमें जरूरत हो पाक रूह को बुला लिया, आजा काम कर जा, नहीं। उसने स्टे करना हमारे साथ 24 आवर। हम सो रहे हैं, पाक रूह हमारे साथ है। पास्टर बेनियन कहता है पाक रूह हमारे साथ है, हम उसके साथ बात करें ना करें वो हमारे साथ है। उसने बसेरा करना है हमारे साथ, उसने हमारे अंदर रहना है। यूहन्ना की अंजील का 14वां बाब खोलिए। हालेलुया। उसकी 17वीं आयत, यानी रूह हक जैसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे साथ रहता है। हमारे घर में कौन रहता है? बोलो ना। हम कहाँ रहते हैं? अपने घर में ना, किसी और के घर में तो नहीं रहते। वो लोग शौकीन होंदे ने दूसरा अधिकारी चाहिए रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? अपने घर में। तो हमारे अंदर क्या है? बोलो ना, डर क्यों रहे हो भाई? डर काहे का है? बोलो, कहाँ है वह? हमारे, हम अपने घर के अंदर, पाकरू हमारे अंदर। तो पाकरू हमारे घर में हो गया, नहीं हो गया? हालेलुया। तो इसमें डर की क्या बात है? ये तो कोई बड़ा भेद भी नहीं है। अब पाकरू कहाँ रह रहा है? हमारे घर में। कहाँ रह रहा है? और कैसे काम हो रहे हैं ये सोचना। पाकरू की मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं काम। वहाँ क्या हो रहा है? हम उसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसने हमारे साथ रहना, हमारे अंदर रहना। हालेलुया। हम कहीं भी जा रहे हैं, पाकरू हमारे साथ जा रहे हैं। 1 कोरिन्थियों 6वां बाब, आइए जल्दी। ये वाले आपने पढ़े हुए हैं, ये कोट भी हुए, दुआ में कोट हुए, और जो हमारी बेटी मीटिंग लीड कर रही थी वो भी इन चीज़ों को दोहरा रही थी। 19वीं आयत, 1 कोरिन्थियों 6वां बाब उसकी 19वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बंधन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने, हालेलुया, नहीं, किसी ने नहीं कहा तुम अपने, हम अपने है ही नहीं। ये बड़ी मुश्किल बात है। यह है खुद ही का इनकार। यीशु तेरे बिन मैं कुछ नहीं, ऐसे ही। लेकिन कहते हैं यीशु तू थोड़ा पीछे हो, मैं कोई काम करना। हमारे अंदर रहना, रूह कुदस का मकदस। दूसरी आयत पढ़ते हैं, लिखा है जो इस मकदस को बर्बाद करेगा, हालेलुया, 3रा बाब इसी का। आइए पीछे चलते हैं, उसके 16वीं आयत को देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में, हालेलुया, जिस दिन वो आएगा, जिस दिन वो आया था, कलीसिया का जन्मदिन हो गया था, कलीसिया की पैदाइश हो गई थी और आज तक कलीसिया बढ़ती जा रही है। रूए जमीन पर कलीसिया क्या हो रही है? ते असी पाकरूल पालन ने जिथे होना, जिस्मानी तौर पर रूहानी तौर पर उथे ही रहने। उसने बढ़ना है, उसने हमारी ज़िंदगी में काम करना, मसीह के कद के अंदाज़ा के मुआफिक हमें उसने बुलंद करना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ। अगली आयत ख़तरनाक है। और अगर खुदा के मकदस को, माफ़ कीजिए, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। कोई शख्स ये नहीं कह सकता, मैंने पहले कहा, मैं हर फर्द बशर पर, उसने कहा तुम्हारे बेटे और बेटियां, हमारे बेटे और बेटियों ने, आज ये जो बेटी छोटी जैसी, वो पीछे दो बच्चे जो माँ की गोद में बैठे, वो बेटा जो बाप की, या जो बेटा है आपका गोद में बैठा, और जितने बच्चे बैठे संडे स्कूल में, 7 माँ बाप के बैठे में, कल रूह कुदस ने इनके अंदर सकूनत करनी है। क्या हम इस बात के लिए इनको तैयार कर रहे हैं या हम खुद तैयार हैं? उसने काम करना है, उसने हालेलुया, उसने मुकम्मल तौर पर बसेरा करना है। रोमियो 8वां बाब उसकी 9वीं आयत, उसके 8वीं आयत भी पढ़ लेते हैं, 8वीं और 9वीं आयत दो पढ़ेंगे। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा। शर्त है तुम रूहानी हो। हम कहते वी आर स्पिरिचुअल पीपल, हम अलग किए गए लोग हैं, हम रूहानी लोग हैं, हम खिदमत गुजार लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं। इसको साबित करना है, इसलिए नहीं कि कोई हो, बल्कि इसलिए कि खुदा के नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह की मर्ज़ी पूरी हो। हालेलुया। और बातें हैं कभी ज़िंदगी के साथ रहे, ज़रूर एक दूसरे में उसे बांटेंगे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आओ बेटा।